वेलकम है जी, वेलकम है। तो दोस्तों सुबह के बजे हैं 4:30 और इस टाइम मैं कर रहा था अपना एक वीडियो एडिट। इतनी सुबह सुबह? जी हाँ, मैं एक उल्लू हूँ, मैं दिन में सोता हूँ रात में जागता हूँ। हाँ, लाइफ कुछ ऐसी हो चुकी है। बट अभी मैं ऑनलाइन देख रहा था और मेरे सामने वीडियो एडिटिंग क्विज जैसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं सामने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ तुम्हारे साथ। तो आज मैं अपने स्किल्स को चेक करूंगा अराउंड 5 साल वीडियो एडिट करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है, जितनी बार भी मैं गलत आंसर दूंगा उतने दिन के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम बायो कुछ अजीब रखने वाला हूँ। अभी मैंने सोचा नहीं है, क्या मैं एक उल्लू हूँ ये भी लिख सकता हूँ या कुछ ऑनलाइन सर्च करते हैं। आओ, बैड इंस्टाग्राम बायो लिमिटेड एडिशन। नहीं नहीं, थोड़ा और अच्छा कुछ सर्च करते हैं जो बहुत ही खराब लगे। बैड बॉय रचित सिंह, ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है, आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती है। ये नहीं रखने वाला हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं रखने वाला, ये नहीं रखने वाला हूँ मैं। क्वीन नहीं तो क्या हुआ, यह बदमाश आज भी लाखों दिलों पर राज करता है। कौन है भाई ये लोग, कौन है ये लोग। वो ठीक था यार, मैं एक उल्लू हूँ। नहीं, मैं गलत करूंगा ही नहीं, मुझे लिखना ही नहीं बायो में अपनी, मैं नहीं लिखने वाला है बायो में। तो ये है एक प्रीमियर प्रो क्विज जहाँ पर हमें प्रीमियर प्रो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनका जवाब देना है। सिंपल, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें तो, बहुत सिंपल। चलिए शुरू करते हैं और तुम भी मेरे साथ कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ऑटोमेट टू सीक्वेंस ऑप्शन इन द प्रोजेक्ट मेन्यू अलाउज यू टू डू। ऑटोमेट द इंपोर्टिंग ऑफ क्लिप्स इनटू ए बिन, ऑटोमेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीक्वेंसेस विद इन ए प्रोजेक्ट। तो जब भी हम ऑटोमेटिकली सीक्वेंस बनाते हैं तो वहां पर वो हमारी सारी क्लिप्स को कंबाइन करके हमारी टाइमलाइन पर ला देता है। इजी, व्हिच इज ए रीजन व्हाई वुड यू क्रिएट ए न्यू बिन फ्रॉम द प्रोजेक्ट विंडो। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि तुम बिन्स क्यों बनाते हो प्रोजेक्ट में, जिससे हमारी क्लिप्स ऑर्गेनाइज रहे, टू नेस्ट ए टाइमलाइन, टू क्रिएट new sequence, to automate clips to a timeline, to organize clips. ये तो वैसे भी सही होने वाला था। When are the control button at the bottom of your capture window grayed out? Gray कब होगा यार, जब या तो हम उसे use कर रहे हैं या फिर वो available ही नहीं है। ओह, बहुत ही simple है यार, मैं नहीं रखने वाला वो bio. Premiere can not detect any capture device. क्या बोल रहा है भाई ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। You have not selected a control button. You have not started capturing. क्योंकि यार पता नहीं, मुझे बाकी तो समझ ही नहीं आ रहा है कैप्चर डिवाइस के बारे में क्या कर रहा है। तो कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है, आसान चीजों का। वेयर इज द कैप्चर विंडो भाई, कैप्चर विंडो है क्या? शायद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है कुछ, आज तक ये फीचर यूज ही नहीं करा है। प्रीमियर प्रो से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कौन यूज करेगा यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग। क्लोज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दिन तो बढ़ ही चुका है। What is the maximum size of a still image that Premiere Pro supports? आज तक मेरे सामने ऐसा तो कुछ आया नहीं। मेरे पसीने छूटते जा रहे हैं भाई। Attitude boy bio नहीं लगाना यार। 8000 pixel. 8000 by 8000 pixel. Yes. 4000 by 4000 pixel. 2 दिन। Next question. You have created an MP3 audio file from the original WAV audio file. Why is it better to use the WAV file in the Premiere Pro project? देखिए, WAV file ज़्यादा अच्छी quality की होती है और MP3 थोड़ी low quality होती है, compressed होती है। WAV file का size भी बड़ा होता है। The MP3 audio file is compressed version of the original, which can affect the quality of the audio. सही बात है। The WAV file is smaller and more efficient. गलत बात है, वेव फाइल हमेशा बड़ी होती है, हमेशा नहीं बट बड़ी होती है, क्योंकि MP3 कंप्रेस्ड वर्जन होता है। प्रीमियर प्रो डजंट सपोर्ट MP3 ऑडियो, ऐसा भी नहीं है। द वेव फाइल विल नॉट नीड टू बी कंफर्म्ड। जीत गया तुम्हारा भाई, जीत गया। तुम बताओ तुम कितने जीत रहे हो अब तक। What does the fit setting on the zoom option of the monitor window allows you to do? Monitor window, program monitor की बात हो रही होगी यहाँ पे। Cause the source clip to fit between markers on the timeline. तो program monitor के left में तुम्हें बहुत सारे options मिल जाते हैं, fit to scale, 10%, 25%, 50%, जिससे तुम अपने वीडियो को zoom in zoom out कर सकते हो, उसमें कुछ भी एडिट करने के लिए। ज्यादातर मास्किंग करते हैं उससे। सो यहाँ पर होगा cause the source clip to fit into the मॉनिटर विंडोज एज इट रिसाइज, थर्ड ऑप्शन होगा इसका। और मैं प्रीटी श्योर हूं कि मेरे घर का नेट बहुत स्लो है भाई। तुम बताओ तुम्हारे कितने सही हुए अब तक। लॉकिंग ए वीडियो और ऑडियो ट्रैक विल कॉज विच बिहेवियर। लॉक करने से हम मूव नहीं कर सकते उनको, हाँ मूव नहीं कर सकते। ट्रैक कैन नॉट बी मूव्ड और एडिटेड। सही जवाब।
आई नो सही जवाब है, पता नहीं कब से कर रहा हूँ भाई मैं ये। कौन ले आए भाई, बच्चों वाले सवाल है भाई ये, बच्चों के नर्सरी में सीख चुका था यार मैं। पर रिव्यूइंग ए क्लिप इन द मॉनिटर विंडो, व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस द कोमा की, ये तो बहुत ही ये शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है। कोमा की प्रेस करते ही तुम उसको टाइम लाइन पर ला सकते हो, इजी। कोमा की शॉर्टकट है जिससे तुम अपनी वीडियो को ऊपर के प्रोग्राम मॉनिटर से टाइम लाइन पर ला सकते हो, बट वो आएगा उसी ट्रैक पर जिसको तुमने सिलेक्ट किया होगा, V1 V2 A1 A2 समझ गए ना। इंसर्ट द सोर्स क्लिप एट द करंट टाइम इंडिकेटर ऑन द सिलेक्टेड ट्रैक, करेक्ट, सुपर। व्हाट डज द रोलिंग एडिट टूल अलाउज यू टू डू, रोलिंग टूल क्या होता है यार ये? नहीं मुझे पता है रोलिंग टूल क्या होता है, रोलिंग टूल ये होता है रोलिंग टूल। कोई नहीं, पक्का पता है मुझे उसकी शेप याद होगी, मैंने यूज करा होगा कभी ना कभी, तो शायद आंसर्स पढ़ के पता लग जाए। मेंटेन द सेम लेंथ ऑफ द एंटायर सीक्वेंस एंड साइमल्टेनियसली एडजस्ट द इन एंड आउट पॉइंट्स ऑफ द क्लिप एट द एंड पॉइंट वेयर यू सेंटर द रोलिंग एडिट टूल। तो मुझे पता नहीं था उसे रोलिंग टूल कहते हैं, बट मैं समझ गया। अब रोलिंग टूल से तुम क्या कर सकते हो, दो क्लिप्स को स्लाइड कर सकते हो और वो उसी हिसाब से एडिट कर देगा उसको। मैं बता ही देता हूँ क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास दो क्लिप्स हैं और ये रहा हमारा रोलिंग एडिट टूल। इससे तुम क्या कर सकते हो, इन दो क्लिप्स के बीच में इस तरह से अगर तुम इसको इधर ले आओगे तो ये इस क्लिप को एक्सटेंड कर देगा इधर की तरफ, और जब तुम इसको इधर ले आओगे तो ये इस क्लिप को एक्सटेंड कर देगा इधर की तरफ। और इसका शॉर्टकट है N, बट मैंने इसको कभी ऐसे यूज ही नहीं किया। मैंने इसको हमेशा यूज किया है कंट्रोल प्रेस करे रखो, दो क्लिप्स के कट के बीच में जाओ और तुम अब स्लाइड कर सकते हो, सेम वही टूल है। तो मेंटेन द सेम लेंथ ऑफ द एंटायर सीक्वेंस एंड साइमल्टेनियसली एडजस्ट द इन एंड आउट पॉइंट ऑफ द क्लिप। हाँ तो यही होगा। फर्स्ट नेक्स्ट पर चलते हैं, पता चल गया रोलिंग एडिट टूल क्या होता था। यूजिंग डिफॉल्ट कीबोर्ड सेटिंग्स व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस कमांड डी कंट्रोल डी एट द एंड पॉइंट ऑफ द टू क्लिप्स ऑन ए सिलेक्टेड ट्रैक। कंट्रोल डी ये तो कुछ है ही नहीं, कंट्रोल डी मैं हमेशा यूज करता हूँ डिफॉल्ट ट्रांजिशन के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट डी अगर तुम्हें ऑडियो पर ट्रांजिशन लगाना है। द डिफॉल्ट ट्रांजिशन इज एडिट एट द एंड पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब। हाँ अब मैं चाहता हूँ मेरे सामने अमिताभ बच्चन जी बैठे होते और मैं ऐसे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा होता, फिर हाँ यार उसमें आने चाहिए थे ऐसे क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेट क्या एक एडिटर जा पाएगा कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन में। देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर मैं गया तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल। भाई अपनी एडिटिंग स्किल्स के साथ साथ अपने जोक्स भी अपग्रेड कर लेते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म स्केल चेक बॉक्स इन द मोशन फिक्स्ड इफेक्ट। बड़े ही आराम से पढ़ रहा हूँ अब मैं ये बिल्कुल क्वेश्चन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं दो दिन से ज्यादा बैड बॉय एटीट्यूड वाला स्टेटस लगाऊं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये मुझे पता है क्योंकि ये हम हमेशा यूज करते हैं अपने व्लॉग्स में, अपनी मेंशन वीडियो में, अपना हर जगह, उससे हम अपना इमेज या फिर किसी भी चीज की हाइट और विड्थ अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। व्हेन चेक्ड इट विल स्केल द हाइट एंड विड्थ ऑफ द क्लिप टुगेदर, तो जब चेक होगा एक साथ। Who developed Adobe Premiere Pro? Adobe system. Simple. Adobe system है. Sony Creative Software. नहीं, Macromedia. नहीं, Adobe system incorporated. अबे दो क्यों दे दिए भाई? अबे वो कौन सी लाइफलाइन है जिसमें कौन बनेगा करोड़पति में वो दो ऑप्शन हट जाते हैं, दोनों मिलके प्रण लेते हैं। मैं Adobe systems पे लगाना जा रहा हूँ अपना सट्टा बिल्कुल। वैसे मुझे पता है Adobe system या फिर Adobe system incorporated में से ही होगा, बट फिर भी करेक्ट। यस नहीं लगा रहा भाई, मैं दो दिन से ज्यादा लगा ही नहीं रहा, लगा ही नहीं रहा मैं बायो, वो दो दिन भी क्यों लगा रहा हूँ मैं वो बायो। अब तक हम 16 क्वेश्चन सही कर चुके हैं दोस्तों, आपके कितने सही निकले कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। व्हाट लाइसेंस इज एडोब प्रीमियर प्रो डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस। नहीं मैं हर महीने भरता हूँ इसका पैसा, तो फ्री तो बिल्कुल नहीं है। फ्री सॉफ्टवेयर, वाओ दो ऑप्शन मेरे यही चले गए। BSD लाइसेंस, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। BSD लाइसेंस होता क्या है, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका कोड वो खुद ही कंपनी लिखती है। BSD सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं जिसका फ्री चल रहा है एक तरह से मामला। डैश एक्सेलरेटेड वर्जन ऑफ ट्रांजिशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स प्लगइन्स OpenGL। आई नो दिस। जब भी आप प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाओगे तो आपको वहां पर रेंडरिंग के दो ऑप्शन मिलेंगे, CUDA और OpenGL। अब ये आपकी रेंडरिंग में मदद करते हैं, सहायता करते हैं थोड़ी सी, तो मुझे बस इसलिए पता है OpenGL। ये बहुत ही ईजी हो गया वैसे। Adobe Premiere Pro इज ए प्रोफेशनल डैश टाइमलाइन बेस्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर मुझे ये भी नहीं पता तो मैं बिल्कुल खत्म हूँ और मैं छोड़ देना चाहता हूँ ये करियर वरियर सब कुछ। मैं एक टेक्नीशियन लग जाऊँगा कहीं, किसी के यहाँ बिजली बल्ब लगा दिया करूँगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, सीरियस मत ले लेना, सीरियस तो मुझे लेना चाहिए।
अपने करियर को। कंप्यूटर मल्टीटास्किंग हुआ यार और साइट नहीं चल रही, बट ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो अब मुझे 3 दिन के लिए अपना इंस्टाग्राम बायो कुछ अजीब रखना पड़ेगा, एटीट्यूड बॉय। तुम लोग नीचे कमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम बायो क्या रखना चाहिए मुझे, जिसपे जितने लाइक आएंगे उसमें से मैं चूज कर लूंगा। और हाँ, तुम्हारे कितने सही निकले, तुम्हारे कितने गलत निकले वो भी तो बताओ। तुम्हें इंस्टाग्राम बायो करने की जरूरत नहीं है चेंज। तो दोस्तों ऐसे क्विज और भी कर सकते हैं हम कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट का क्विज, हम कर सकते हैं तारक मेहता का क्विज, हम कुछ भी कर सकते हैं ब्रो।